डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को मेनली डीवीटी भी कहते हैं। डीवीटी ये मेनली लेग की वेन में होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो काफ़ी स्लो होता है। यहाँ पर स्केलेटन मसल की मूवमेंट हेल्प करती है ब्लड को हार्ट में रिटर्न करने में। यहाँ पर लेग की वेन में विनस होल होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मेनली एक्सरसाइज कम करने एंड लंबे टाइम तक बेड रेस्ट करने से होता है। इसमें मेनली विनस ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, जिससे विनस वॉल में ब्लड क्लोटिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को ही थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस में विनस वॉल के सराउंडिंग पेन होने लगता है, उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है एंड स्किन ब्लू पड़ने लगती है। थ्रोम्बोसिस को कम करने के लिए आपका डॉक्टर एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन एंड विटामिन के को सजेस्ट करता है। कुछ केसेस में ब्लड क्लॉट का एक पार्ट विनस से रिमूव होकर ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करने लगता है एंड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंटरनल ऑर्गन से होकर लंग्स में पहुंच जाता है एंड इसके बाद ये लंग्स में ब्लड वेसल्स को ब्लो कर देता है। इसे उस एरिया में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। इससे लंग्स के इफेक्टिव पार्ट में निकोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। निकोसिस में लंग्स का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। इस कंडीशन को ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के मेन सिम्टम होते हैं चेस्ट में पेन होना, सांस लेने में प्रॉब्लम आना, पसीने आना एंड कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है।